राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठाए भारत। आपका फिर से एक बार स्वागत है राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। हम सबसे पहले आपको एक बार फिर आने वाले नए वर्ष 2021 में जो आप दो दिनों के बाद प्रवेश करने वाले हैं, तो आने वाला वर्ष आपके लिए नए नए संदेश लेकर करके आए और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ 2021 में प्रवेश करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे और आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे जो कि बुधवार को केंद्र की सरकार फिर से एक बार जो हमारे किसान अन्नदाता लगातार धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर बात करेगी और बात करके मुझे पूरी उम्मीद है जो एक सकारात्मक नतीजा निकल करके आएगा और सभी किसान भाई नए वर्ष में अपने अपने घरों में होंगे, अपने अपने परिवार के साथ होंगे, हंसते खेलते हुए भारत के निर्माण में, भारत के विकास में, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग देंगे और भारत आने वाले 2021 में शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम बात करेंगे जो किस प्रकार से ठंड भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और चार दिनों तक शीत लहर होने की संभावना व्यक्त की गई है, तो यह ठंड का समय बढ़ता हुआ प्रकोप ठंड का, और उसमें अगर कल बुधवार को समझौता किसान और केंद्र सरकार के बीच हो जाती है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारा प्रारंभ से यह कहना है, राष्ट्र सर्वप्रथम की सोच प्रारंभ से यह रही है कि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का पूरा आवाज उठाएं, उसके लिए अपने अधिकार को लेने के लिए आप सभी प्रकार के अपने जो धरना प्रदर्शन जो भी है आप करें, लेकिन आप अपने राष्ट्रीय दायित्व को कभी न भूलें क्योंकि यह राष्ट्र आपका है। अगर राष्ट्र की विकास की गति अवरुद्ध होती है तो यह न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी नुकसानदायक है। यह राष्ट्र आज जो अपने आज़ादी के 73वें वर्ष में है और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, आप जानते हैं जो कि इसके लिए कितना बलिदान दिया गया। 7.5 लाख बलिदानियों ने जब बलिदान दिया तब जा कर के हमें यह आज़ादी मिली। हम अपनी आज़ादी को हरगिज खोना नहीं चाहते, आप भी नहीं खोना चाहते होंगे। आप भी यह चाहते होंगे कि आपका देश आगे बढ़े, आने वाले समय में विश्व के सभी राष्ट्रों से आगे जा कर करके भारत एक अपनी एक अलग ही पहचान बनाए। आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने आज़ादी के बाद लगातार राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना अपना जो प्रयास है लगातार कर रहे हैं। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में आपके बीच में यह धारणा बन गई थी जो कि इस देश में कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन पिछले 6 वर्षों में एक स्थिति स्पष्ट हुई है और आप भी इसे मानेंगे कि किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में एक सकारात्मक रवैया अपनाया जाने लगा है और भ्रष्टाचारियों के चेहरे पर एक जो झलक नजर आने लगी है, आप उससे परिचित हैं कि किस प्रकार से वो काला धन एकत्र करते थे, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार से वो उस काले धन के बदौलत अपने को इस देश का मसीहा समझ बैठे थे, किस प्रकार वो समाज के लोगों को दबाने का, डराने का और कानून को अपने हाथ का खिलौना बनाने का
दावा किया करते थे वे सभी लोग आज इन 6 वर्षों में खुद परेशान हैं, हताश हैं, और वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यह सत्ता व्यवस्था बदल जाए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, राष्ट्र प्रथम की टीम को पूरा यकीन है कि आने वाले वर्ष में हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा और विकास की नई गति को वह प्राप्त करेगा और भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेगा। हम आपसे बात करेंगे कि पूर्वी दिल्ली, जो दिल्ली के अधीन 3 नगर निगमों में से एक है, उसमें कल जो स्थिति हुई भाजपा और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों द्वारा मर्यादा का उल्लंघन कर करके एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का और अमर्यादित तरीके से जूते चप्पल का इस्तेमाल कर करके उसकी गरिमा को गिराया गया, या किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक निगम पार्षद को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपने बात को रखें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन अमर्यादित तरीके से एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का अमर्यादित कदम उठाना या लोकतंत्र का अर्थ नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ ये है कि आपको आज़ादी है कि आप अपने पक्ष को सही ढंग से रखें और सामने वाले उस बात को सुनकर उसका जो भी निदान है उसे करें, न कि आरोप प्रत्यारोप में आप उलझें और उलझकर मर्यादा का त्याग करें। जब कानून का आप उल्लंघन करेंगे, मर्यादा का जब उल्लंघन आप करेंगे, तो आपके ऊपर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना जुड़े हों। और कानून को यहाँ सक्रिय होना पड़ेगा, और चाहे वो जो भी हो, अगर वो मर्यादा के खिलाफ कदम उठाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। जब बातें हो रही है राष्ट्र सर्वप्रथम में, तो हम आपको एक नई बातें जो आई है सामने, जो बिना ड्राइवर की भारत की राजधानी दिल्ली में मेट्रो चल पड़ी है, यह जो है सो अपने आप में एक सुखद दृश्य था, जब प्रधानमंत्री बगैर ड्राइवर वाले मेट्रो रेल को चलने की झंडी दिखाया और दिल्लीवासी को वह मेट्रो रेल प्राप्त हुआ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आपका ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। राष्ट्र प्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे थे, जो किस प्रकार से कल किसानों के साथ केंद्र सरकार की बात होगी, हम बात कर रहे थे जो कि शीतलहर का हमने चर्चा किया था, जो आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार को जरूर लें, लेकिन आप अपने दायित्व का भी निर्वाह करें जो राष्ट्र के प्रति आपका है। हम अब आगे बढ़ते हैं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम के माध्यम से, कि जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियां आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब आप किसी भी प्रलोभन में फंस जाएंगे,
आप जब किसी भी एजेंसिया द्वारा बार बार कहा जाए कि आप किसी भी प्रलोभन में ना फंसे और उसके बाद आप प्रलोभन में फंसेंगे, तो आप खुद यह सोचिए कि एजेंसियां, जांच एजेंसियां कब तक आपके लिए काम करती रहेगी और उस पर जो बोझ बढ़ता जाएगा उसका हर्ष आखिर क्या होगा। यह आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप अपने अधिकार को लें, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, आप प्रलोभन में ना फंसे। जब किसी भी मिल के द्वारा, जब किसी भी टिकट के द्वारा, जब किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रलोभन दिया जाता है, लॉटरी की बात कही जाती है, आपको जो है सो फायदा पहुंचाने का प्रलोभन दिखाया जाता है, तो आप बगैर उसकी तहकीकात किए हुए आप उस प्रलोभन में फंसते हैं और आप जो है सो उन ठगों को आप राशि उपलब्ध करा देते हैं और आप ठगे जाते हैं। जब आप ठगे जाते हैं तो आप एजेंसी से शिकायत करते हैं जो कि आपके साथ इस तरीके की घटना घटी है, और एजेंसी अपना काम करता है और कई मामले में वो ठग पकड़े भी गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब बार बार एजेंसियाँ आपको सचेत कर रही है विभिन्न माध्यमों से, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से जब आपको लगातार सचेत किया जाता है कि आप इस तरीके के प्रलोभन में ना फंसे, तो फिर आप जानबूझकर करके उस प्रलोभन में फंसते ही क्यों हैं। तो राष्ट्र सर्वप्रथम जागरूक नागरिकों से यह निवेदन करना चाहता है, आग्रह करना चाहता है कि यह 2020 जा रहा है, आप 2021 में एक आत्मविश्वास के साथ, आत्मगौरव के साथ अपने अधिकार के लिए लड़ें, आप अपने अधिकार को लें, आप किसी भी प्रलोभन में न फंसें, आप किसी भी साजिश का शिकार न हों। ढेर सारी कानूने हैं, उस कानून का आप अध्ययन करें और उस अध्ययन के उपरांत आप कानूनी कदम उठाएं, क्योंकि यह देश आपका है और इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको अपने दायित्व का निर्वाह करना ही होगा। अगर आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो आप सिर्फ एक एजेंसी के बदौलत आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो आप अपने वाहन में अगर ड्राइव कर रहे हैं या अगली सीट पर बैठे हैं तो बेल्ट जरूर लगाएं। अगर आप मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं तो आप जो है सो हेलमेट जरूर पहने। और अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में आप एक दूसरे से दूरी बना कर करके रहें, आप अपने मुंह पर मास्क लगा कर करके रहें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और अपने अगल बगल के भाइयों को भी सुरक्षित रखें। सरकार आपको एक बार कह सकती है, सरकार आपको दो बार बता सकती है, सरकार आपको 10 बार बता सकती है, लेकिन आप अगर उस बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो अंतोगत्वा आपको ही इसके प्रभाव से पीड़ित होना पड़ेगा। और सिर्फ आप ही नहीं इससे पीड़ित होंगे, आपका परिवार इससे दुखी होगा, समाज दुखी होगा, और आप कल्पना कर सकते हैं जब आप दुखी होंगे, आपका परिवार दुखी होगा, आपका समाज दुखी होगा, तो राष्ट्र स्वतः ही दुखी हो जाएगा। तो राष्ट्र सुखी बने इसके लिए आपका सुखी होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम लगातार इसी दिशा में एक सकारात्मक पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए, जिसकी मांग हम लगातार आपसे कर रहे हैं। मीडिया का दायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें समाज का जो दायित्व है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप सही खबर चाहते हैं तो आपको सही जानकारी देना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि भगत सिंह फिर से पैदा हो और क्रांति आए, और आप यह सोचेंगे भगत सिंह आपके घर न पैदा हो, पड़ोसी के घर पैदा हो, यह संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं जो भारत आगे बढ़े, भारत विकास करे, आने वाले वर्ष
2021 में भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, तो आपको कदम उठाना पड़ेगा जो ना तो हम रिश्वत लेंगे ना हम रिश्वत देंगे। अगर आपको कोई बाध्य करता है, विवश करता है, तो राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आपके साथ है। आप आइए और अपनी बातें रखिए, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम करेगा। जब चर्चा हो रही थी तो चर्चा के क्रम में एक बात आया राष्ट्र सर्वप्रथम के सामने, जो कि अगर आप चिड़ियाघर घूमने के लिए जाएंगे तो अब आपको जो है सो डबल टिकट में पैसे देने होंगे। एकदम से इस कोरोना काल के बाद डबल हो जाना टिकट का, यह एक चौंकाने वाला है। अभी थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए था, एकदम से डबल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे 7 वर्षों के बाद यह बढ़ाया गया है। यह अगर कुछ वर्ष पहले बढ़ा दिया गया होता तो शायद चिड़ियाघर जाने वाले लोगों को इतनी मुसीबत नहीं होती जो एकदम से इस कोरोना काल में, और वर्ष समाप्त होते होते जब 1 तारीख को नए वर्ष में लोग चिड़ियाघर घूमने का अपने परिवार के साथ प्रयास करेंगे और उन्हें डबल देना पड़ेगा। हम दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार से आग्रह करेंगे कि वो इस पर भी ध्यान दे और किराया टिकट का जो है सो डबल की जगह 25% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, 30% बढ़ा दे, एकदम से 50% नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र हमारा है, चिड़ियाघर भी हमारा है, चिड़ियाँ भी हमारे ही हैं, तो सभी सुविधाओं को देखना भी हमारा काम है और साथ साथ अपने पॉकेट पर भी हमें ही ध्यान लगाना है, ध्यान देना है कि हमारा पॉकेट कितना अलाउ करता है। बताना चाहूँगा कि टैक्स का भुगतान करके, इनकम टैक्स पे करके, डायरेक्ट टैक्सेस पे करके जो भी हम सेवा कर सकते हैं वो सारे के सारे कर रहे हैं, और कोरोना के बाद अपने अपने कारखाने चला रहे हैं, सबको रोजगार और व्यापार दे रहे हैं। हमारी तरफ से तो एज ए व्यापारी यही सहयोग हो सकता है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने गए हुए थे, अब वो पढ़कर हमारे देश में काम करना चाह रहे हैं, ये पहली शुरुआत है। आज भी यूरोप में जो सड़क पे सामान बेचते हैं उनको भी मोदी का नाम पता है। तो हमारे जितने भी बड़े मंत्री हैं उन्होंने इतना सब कर दिया कि हमारे देश की 192 कंट्रियों में पहचान अलग हो गई और लोग पहचानते हैं कि हम इंडिया से हैं, और इंडिया के अंदर जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को मानते भी हैं। वरना टाइम स्क्वायर के ऊपर योगा होते किसी ने सोचा भी नहीं था, जो कि हमारे देश ने करके दिखा दिया। अब हमें ऋषिकेश में कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं, हमारे हर एक नागरिक को वो मानते हैं कि योगा से सब बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये विश्व गुरु बनने का प्रथम चरण है, अभी तो बहुत समय बाकी है उसको पूरा करने में। व्यापारी को व्यापार करने दिया जाए, नियम को व्यापार के हिसाब से बनाया जाए, अधिकारियों के हिसाब से नहीं। अधिकारियों ने जिन्होंने कभी व्यापार नहीं करा होता वो तो नियम कानून बनाते हैं। जिनको गणित आता है किताबों का, लेकिन प्रैक्टिकली टैक्स कैसे पे किया जाता है ये उनको आता नहीं। तो टैक्स पे करने वाले से तो पूछा जाए कि आपको नियम में क्या सुविधा है असुविधा है। जिन्होंने टैक्स पे नहीं करना वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है। लेकिन जिसने टैक्स पे करना है उसके भागीदारी नहीं होती उसको बनाने में, तो ये विडंबना है हमारे देश की, जिसको तुरंत ठीक करने से हम बहुत बहुत जल्दी विश्व में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। भ्रष्टाचार तब तक है जब तक नियमों में खामियां हैं। यदि मेरे पहले वाले विचार को अमल में ले आया जाए और नियम ऐसे कर दिए जाएं कि भ्रष्टाचार हो ही नहीं, उदाहरण के तौर पे रेड लाइट जंप करना ₹10,000 जुर्माना, तो अब रेड लाइट जंप नहीं होती, ये सीधा सीधा जीता जागता सा उदाहरण है, ना ही वो रिश्वत मांगता है।
और ना ही कोई दे पाता है, क्योंकि 10,000 रुपए में क्या मांडवाले करेगा। तो दोनों तरफ से सुकून हो गया। वैसे ही हर कानून में क्यों नहीं हो सकता कि दंड ही इतना बड़ा हो कि वो फीस नहीं है, दंड है, अधिकारी भी ना ले सके और व्यापारी भी ना दे सके। तो इतना दंड होना चाहिए कि एक गलती करेंगे तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो कोई भी काम करने से पहले 200 बार सोचेगा, वैसे करके काम कर लेना चाहिए, ताकि अपने आप ही भ्रष्टाचार आचार से खत्म हो जाएगा, हमारे रोजमर्रा के विचार से खत्म हो जाएगा। अगर हमें सही नियम से काम करेंगे तो फिर काय का भ्रष्टाचार। तो नियमों को ठीक करने की जरूरत है, नियमों को व्यापारी के हिसाब से करने की जरूरत है, बाकी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं DSIDC के कि उन्होंने सड़क बनाना शुरू करा, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो काम कर रहे हैं उसके कार्यशैली की वजह से हमारे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी 15-15 दिन सड़कें खोद के रख दी, ना तो व्यापारी अपना माल ला सकता है ना लेके जा सकता है। ये तो बहुत बुरी समस्या है। पहले बॉर्डर से लाएं तो किसान रोक ले, अब मायापुरी में लाएं तो ठेकेदार रोक ले। तो ऐसे तो अगर हर जगह पे रोकेंगे तो हम व्यापार कैसे करेंगे। आज 15 दिन हो गए हैं सड़क को खोदे हुए, ना तो गाड़ी आ सकती है ना गाड़ी जा सकती है, तो काम कैसे करें। तो बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, इतना हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो DSIDC के उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि वो कभी जमीन पर आके इसे देखें कि तकलीफ कितनी है। और काम की हालत ये है कि आप बुरी तरीके से लोग परेशान है। पहले सब देशवासियों को एक कर्तव्य का रूप जो है कि राष्ट्रवाद बनने के लिए हर एक नागरिक के अंदर इस देश की सेवा करने के लिए जो राष्ट्रवाद है वो पहले सेवा धर्म है। आज देश के बॉर्डर पे जवान खड़ा है, वो अपना सब कुछ निछावर करके राष्ट्र की सेवा कर रहा है, उस को कहते हैं राष्ट्रवाद। और मैं उसी की वजह से सबको यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद जो है हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद हमारा राष्ट्र जो है हमारा भारत है जो सर्वप्रथम देश बने। भ्रष्टाचार जो 2016 के अंदर नोटबंदी, मोदी सरकार ने नोटबंदी करके भ्रष्टाचार को काफी हद तक खत्म करने की कोशिश करी, उसके बाद जब GST आया उस कड़ी के अंदर, तो उसके अंदर भी भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हुआ है। और अभी मोदी जी ऐसे ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार की सारी जड़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारा देश सर्वप्रथम राष्ट्र बने, जिसमें DID न्यूज का विशेष योगदान, उसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में हमारे उच्च कोटि के पदाधिकारी IAS IPS बड़े रैंक के पदाधिकारी राष्ट्र को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो लोग अगर इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, शिक्षा और बेरोजगारी और जैसे कि हॉस्पिटल में मेन सुविधाएं और भ्रष्टाचार, इनको सब रोकने में और इस पर प्रयास करने के लिए अगर हमारे IAS बड़े उच्च कोटि के अधिकारी करते हैं तो राष्ट्र सर्वप्रथम जरूर बनेगा। और आज जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी योगदान आज के टाइम में राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में उन्होंने पूरी अपनी जी जान से, वो अपने पूरी जी जान से लगे हुए हैं राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने में। उनके साथ
अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, वो स्वयं रात दिन प्रयास कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र बने। नमस्कार, मैं सबसे प्रथम इंडिया दर्पण की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। तो मेरा कहना इस विषय में ये है, कोई भी संस्था, कोई भी राज्य, कोई भी देश वो महान होता है जिसके संस्थापक, जिसके आगू, जिसके कर्णधार महान होते हैं। वो कर्णधार जैसे हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और वाकई में ही उनको महान कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है, वो संस्थापक, वो आगू, वो कर्णधार महान होता है जिनकी सोच ऊंची हो, जिनकी सोच महान हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सारे दुनिया को देखें, पूरे वर्ल्ड को देखें, उसमें ठीक है कोई धन के लिहाज से, कोई हथियारों की होड़ में, कोई और किसी विषय में आगे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारे भारतवर्ष का विश्वगुरु होने का जो सवाल है, हमारे इस राष्ट्र को आगे ले जाने का सवाल है, तो उसमें मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि जिनके हाथों में अब बागडोर हमारे मुल्क की आई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी, उन्होंने इस मुल्क को बहुत आगे ले जाना है। ये नियमों की बात है, वो नियम पूरे हो रहे हैं। बात ये नहीं है कि कौन से स्टेट में कौन राज्य राज कर रहा है, ये भी है कि उन्होंने इस तरह की पॉलिसी इख्तियार की है। कहीं भी हम देखते हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, रात दिन काम किए जा रहे हैं, कोई उनकी छुट्टी नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। हम उनके परिवार के बारे में सोचते हैं कि उनके परिवार, उनके भाई, उनके माता जी गुजरात में बैठे हुए हैं, कहीं उनके नाम से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। वो तो उनके पारिवारिक बात है, और भी उनके मित्र होंगे, वो बहुत सालों से उन्होंने काम किया है आरएसएस में, और भी कई संस्थाओं में वो काम करते रहे हैं। एक बस्ता हमें, मैं उनके जीवन से काफ़ी परिचित हूँ, तो इतना वो अपना त्याग का काम करते हुए जो स्टेज पे पहुँचे हैं, कहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी नाम कमाया, आज वो हमारे पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हमें बहुत सी उम्मीदें भी हैं और ऐसा विश्वास भी है कि हमारे भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ भी है और बहुत आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्र सरकार तो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कार्यक्रम सब चला ही रहे हैं, किसी हर तरह की योजनाएं चलाने लग रहे हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई प्रयास ऐसा लगता नहीं है कि कोई कमी रहती है। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें, जहाँ बीजेपी की राज्य सरकारें नहीं है, वहाँ तालमेल की कमी रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा आपस में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का टाइप ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हम योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी ये अनुरोध करूँगा कि अपना अहम, अपनी निजी स्वार्थ छोड़कर और कहीं ना कहीं दोनों आपस में टाइप करके देश के लिए और जनता के लिए प्रयास करें। राज सर्वप्रथम की टीम आपको एक बार फिर से आग्रह कर रहा है, आपको बधाई दे रहा है, जो कि आप 2021 में प्रवेश करने वाले हैं। आप एक नए गौरव के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ आप 2021 में प्रवेश करें, 2020 को विदा करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। में हम आपसे विदा लेते हैं और फिर हम एक नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ सामने आएंगे और आपसे देश दुनिया की, क्षेत्र की, समाज की, विभिन्न वर्गों की बात को रखेंगे। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व